में आप सभी का स्वागत है। मैं दिव्या शुक्ला, आइए बढ़ते हैं खास खबर की ओर। झांसी में ट्रैक्टर ने बाइक सवार में मारी जोरदार टक्कर, मौके पर हुई युवक की मौत। झांसी के कोटरा में दंपति ने खाया जहर, इलाज के दौरान पति की हुई मौत, पत्नी की हालत बनी हुई है नाजुक। जालौन SP पुलिसिंग को मिला पहला स्थान, 28 मार्च को DGP करेंगे सम्मानित। जालौन में बार बालाओं के डांस का वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। जालौन में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, खनन माफियाओं की 3 करोड़ की अधिक संपत्ति को किया गया कुर्क। बांदा में शराबी बंदर का वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल, लोगों का कहना है कि शराब की बोतल छीन कर भाग जाता है बंदर। कानपुर देहात के सिकंदरा क्षेत्र में लाखों की चोरी, पुलिस जुटी हुई है जांच में। फरुखाबाद में युवती को बंधक बनाकर किया गैंगरेप, युवती ने आरोपियों के डर से बदल दिए थे बयान। ललितपुर में इनामी चोरों को पुलिस ने धर दबोचा, उनके पास से 2 ट्रैक्टर व 10,000 रुपए किए बरामद। ललितपुर में ट्रक ने बाइक सवारों को मारी जोरदार टक्कर, हादसे में 3 युवकों की हुई मौत। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर लाइव न्यूज चैनल, खबर आपके लिए। गायत्री विद्या मंदिर रेवन मऊरानीपुर में बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए प्रवेश हुआ प्रारंभ। विद्यालय में हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम ज्ञान के साथ साथ बच्चों को संस्कारी बनाने का पूर्ण प्रयास। सरकार से मान्यता प्राप्त विद्यालय सुयोग्य शिक्षक द्वारा बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाएगी। विद्यालय के संचालक हैं दीपेश श्रीवास व प्रधानाचार्य रघुनंदन गौतम। कमजोर बच्चों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस की सुविधाएं हैं, हवादार कमरे, खेल का मैदान, पुस्तकालय, डिजिटल नॉलेज हेतु कंप्यूटर लैब भी उपलब्ध है। प्रत्येक माह मासिक टेस्ट के साथ साथ पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी होगी। बच्चों को आने जाने के लिए वाहन सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही लीजिए गायत्री विद्या मंदिर रेवन मऊरानीपुर में एडमिशन और अपने बच्चों का भविष्य बनाइए उज्जवल। और अधिक जानकारी के लिए 7007021166 और 9695415800 पर कॉन्टैक्ट करें।